नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे दूर दूर तक आपको कोई चिड़िया नज़र नहीं आ रही होगी। चौड़ी चौड़ी सड़क है, बड़ी अच्छी कॉलोनी है। ये सरवरिया मिठाई की दुकान के सामने जो कॉलोनी है नंदनपुरा में, अभी हमने सरवरिया के सामने वाली गली जो कृष्णा इनकलाब है वो अंदर की स्टोरी दिखाई थी। अब हम आपको सरवरिया के मिठाई वाले नंदनपुरा में जो दुकान है उनके सामने जो गली है कॉलोनी है हम उसका नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। मार्केट संवाद पर आप देख रहे हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें, काफ़ी डेवलप हो गया है। यहाँ पर सुनसान है, 2 बजने को हैं। इस कॉलोनी की स्थिति थोड़ी सी ठीक दिख रही है कृष्णा इनकलाब की अपेक्षा। यहाँ पर मिट्टी के ढेर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये गैस की फिटिंग आप देख सकते हैं इस कॉलोनी में भी चालू है। पूरा सुनसान है कॉलोनी का एरिया, सन्नाटे में है, क्योंकि एक तो कोरोना की दहशत भी है और आजकल बुखार बहुत चल रहे हैं, डेंगू कई प्रकार के बुखार चलने लगे हैं जो बड़े शरीर को घातक हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी डेवलप हुआ है झांसी का, अच्छे अच्छे मकान बन गए हैं। हम आप ऐसे ही जागरूक बने रहें जिससे हम आप कोरोना मुक्त रहें, अपने परिवार को भी कोरोना मुक्त रखें। ये गाय माता धूप में बैठी हैं, जीव हैं, बोल नहीं सकती। ये सरस्वती देवी कंप्यूटर एकेडमी है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी डेवलप हुआ है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कैसे मिट्टी का ढेर आप देख सकते हैं। विकास करिए, कार्य करिए, अच्छी बात है, लान बिछाइए, लेकिन लोगों को असुविधा ना हो, कॉलोनी वालों को असुविधा ना हो, अपना कार्य कर अपेक्स से हो फिलअप कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है बारिश का। सब जगह जो लाइन बिछाई गई है यही हाल है। आपको दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा होगा। ये जो पानी से जलभराव हो रहा है इनमें मच्छर पनपेंगे तो डेंगू ताप बुखार फैलेगा। इसलिए मार्केट संवाद चैनल हाथ जोड़कर अपील करता है, कार्य करिए, लान बिछाइए, विकास करिए, लेकिन इसको हाल के हाल फिलअप कर दीजिए जिससे रास्ता सही बन सके। गड्ढे गूढ़े मिट्टी पानी ऐसा ना हो। इस समय लोग बाग कोरोना से नहीं उभर पाए थे और डेंगू बुखार चलने लगा, कई प्रकार के बुखार चलने लगे, इसलिए ध्यान दें, साफ सफाई रखें। जहाँ कूड़े का ढेर हो वहाँ कूड़ा को फेंका जाए और नालियों में अपने पानी का दवाई का छिड़काव किया जाए।
ये आप देख सकते हैं ढेर किस प्रकार से मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया। बारिश का समय है, ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये गड्ढा काफ़ी दिन का खुदा हुआ है, आप देख सकते हैं किस हाल में है, कैसा है। अब अगर इसको अपना कार्य कर कर जल्दी निपटा कर सही से इसको फिलअप कर देते तो कितना अच्छा होता। अब आपने ताजमहल सा खड़ा कर दिया, लकड़ियों का एक रस्सी बांध दी, चारों तरफ मिट्टी के ढेर लगा दिए, गड्ढा खुदा पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है, लोग चोटिल हो जाएं। आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि कितने दिन का खुदा हुआ गड्ढा है, आप तो सामने देख सकते हैं। इसलिए मार्केट संवाद हाथ जोड़कर अपील करता है ठेकेदारों से भी और लेबर से कि अपना काम पूरा ख़त्म कर कर कि इधर भी काम पाइप में वो लगा दिया है और गड्ढे को वो मिट्टी को ऐसे छोड़ दिया है। कहीं कहीं पर एक काम बहुत अच्छा हुआ है कि पानी की और गैस की लाइन एक साथ डाल दी है, जिससे कि अब दोबारा नहीं खोदना पड़ेगी। ये बहुत अच्छा किया है। ये आप देख सकते हैं गैस पाइप के बाहर निकाल दिए हैं, नोजल इसी में कस जाएगा जो ऊपर पाइप दिख रहा है। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, हम अपील करते हैं लोगों से हाथ जोड़कर मार्केट संवाद चैनल, बेवजह ना निकलें, भीड़ भाड़ से बचें, दो गज दूरी का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क ही एक दवा है। ये दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर है रोड पर, जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं। ये सिपरी की ओर जाने वाला मार्ग है। ये आवास विकास की ओर जाने वाला मार्ग है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।